बसमर अस्सलाम अल्लाकम वेलकम टू साइमाज़ कुकिंग सीक्रेट्स कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यवर्स उम्मीद है सब अपने घरों में खैरौफ़ी से होंगे आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी मतंजन की रेसिपी शेयर करूँगी यानी शादियों में जो मीठे चावल बनते हैं उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो मेरी पूरी देखिएगा इसमें मैं आप लोगों को के साथ वो तमाम ट्रिक और सीक्रेट्स शेयर करूंगी जिससे ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी और ख़ास तौर पे मेरे नए बनाने वाले व्यूवर्स जो नए नए कुक बने हैं उनको ये रेसिपी ज़रूर देखनी चाहिए इन आपके ये मीठे चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे चले आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं मीठे चावल बनाने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने इसमें 250 ग्राम उबले हुए चावल लिए हैं चावल तो सभी को उबालने आते हैं मैंने इसको उबालने का तरीका जल्दी से आपको बता देती हूँ कि मैंने आधा घंटा चावल भिगो के रखे थे फिर उसके बाद पानी इतना डालना है कि चावलों से ज़रा थोड़ा ऊँचा हो तो वो पानी जब बॉयल होने लगे उसमें चावल डाल के दस मिनट तक इसको बॉयल करें और जब पूरी तरह बॉयल हो जाए तो छान लें और ऊपर से ठंडा पानी चला दें बस इतनी सी बात है चावल आपके उबल कर तैयार हो जाएंगे इसके अलावा मैंने इसमें रसगुल्ले लिए हैं जिसे चमचम -चम भी कहते हैं एक पाव मैंने ये ली है चीनी मैंने 160 ग्राम के बराबर ली है यानी आधा पाव से थोड़ी ज़्यादा साथ ही मैंने इस मीठे चावलों में डालने वाला मरबा भी लिया है इसे अशरफियाँ भी बोलते हैं दो, दो कलर के ये लिए हैं सबज़ इलायची और थोड़ी सी ली है मैंने इसमें कोई कोकोनट कटा हुआ लिया है थ्री टेबल स्पून के बराबर है बादाम थ्री टेबल स्पून के इन तरह के मैंने फ़ूड कलर इसमें लिए हैं रेड ग्रीन और ऑरेंज इसमें मैंने खोया भी लिया है वन फिफ्टी ग्राम के बराबर है चले जल्दी से आज की रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम ये जो फ़ूड कलर हैं इनको घोल कर रख देंगे मैंने हर प्याली में तकरीबन वन फोर टीस्पून या आप समझे कि एक चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा कलर लिए हैं और हर कलर में मैंने टू टेबल स्पून के बराबर पानी डालकर इन्हें अच्छी तरह से इस तरह घोल लिया है ये देखें तमाम कलर अब हमारे घोल कर तैयार हैं अब हर कलर में थोड़े थोड़े से चावल डालकर मिक्स कर करके रख लेंगे हम अब एक पतीली कोई सी भी ले लें जो भी आपके घर में अवेलेबल है इसमें सबसे पहले आपने वन फोर्थ कप ऑयल डालना है ऑयल की जगह आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है जैसे ही ऑयल गर्म हो इसमें बादाम और कोकोनट डालकर मैं इसे फ्राई कर लूँगी लाइट गोल्डन सा होने तक हम इसे फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन जब फ्राई हो जाए तो इसमें साथ ही वन फोर्थ कप मैंने दूध ऐड कर दिया है जो चीनी हमने ली थी अब वो इसमें ऐड कर दें चीनी को मेल्ट होने तक इसमें चम्मच चलाते रहें चीनी मेल्ट हो गई है ये देखें लेकिन देखें व्यूवर्स इधर मैं आपको बता दूं कि चीनी जब मेल्ट हो जाती है तो इसकी चाशनी थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है अगर इसी कंडीशन में हम चावल इसमें ऐड कर देंगे तो चावल सख्त हो जाएगा ये जो अक्सर लोग कहते हैं ना कि हमसे चावल सख्त हो जाते हैं उसमें यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है तो आप चाशनी में पहले सिर्फ टू टेबल स्पून पानी डालेंगे टू टेबल स्पून पानी डालने की वजह से चाशनी हमारी थोड़ी सी पतली और कच्ची हो जाएगी तो अब इसमें जल्दी से हम चावल शामिल कर देंगे इस तरह से चावल बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा चावलों को अच्छी तरह से चीनी में मिक्स कर लें ताकि तमाम चावल अच्छे से मीठे हो जाए फ्लेम इस वक्त आपने तेज़ रखना है ताकि चाशनी आपकी जो है वो जल्दी से जल्दी खुश्क हो जाए यानी चीनी का पानी जो इसमें है वो जल्दी से जल्दी खुश्क हो जाए चीनी का पानी ये देखें खुश्क हो गया है अब इस पर हमने जो कलर करके चावल रखे हुए थे वो डाल देंगे तीनों कलर के चावल मैंने इस तरह डाल दिए हैं ऊपर तो हमने जो मरबे लिए हैं वो डाल दें बादाम और कोकोनट भी डाल दें अब खोया जो हमने लिया था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और छः मिनट के लिए हम इसको दम पर लगा देंगे छः मिनट हो गए ये देखें चावल बिल्कुल रेडी हैं और अच्छे से गल भी गए हैं अब इन्हें मिक्स कर लेंगे चावल अच्छे से मिक्स हो गए हैं तो साथ ही मैं अब इन्हें डिश आउट कर लूँगी अब इसकी गार्निशिंग हम इस तरह करेंगे कि बचे हुए जो हमारे पास बादाम और कोकोनट था वो डाल देंगे डब्बे डाल दें और इसी तरह हमने जो चमचम -चम ली थी वो इस पर अच्छी तरह से लगा दें और थोड़ा सा मैंने खोया भी बचा रखा था वो भी ऊपर डाल दूँगी ये देखें कितना शानदार चावल बनकर तैयार हुए हैं देखने में ही खूबसूरत नहीं है खाने में इतने लजीज हैं कि आपको लगेगा कि बिल्कुल शादियों वाला हाँ आप ज़रदा या मतंजन खा रहे हैं उम्मीद है आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन क्लिक करना मत भूलें क्योंकि उसी से मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलती रहेंगी बहुत जल्द इन शाला फिर एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए दुआओं में याद रखें अल्लाह हाफिज़